नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के लिए इंडोनेशिया हुए रवाना, बाली में हो रहा है आयोजन। रेत खनन NGT के आदेश को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, सुनवाई होगी 21 नवंबर को। दिल्ली शराब घोटाला, आप कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर सहित दो आरोपी ईडी की कस्टडी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 547 नए केस हुए दर्ज। इंडोनेशिया दौरे को लेकर पीएम मोदी का बयान, कहा कई नेताओं से होगी द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को किया याद, जयंती पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के उदयपुर अहमदाबाद रेल ट्रैक पर डेटोनेटर विस्फोट, आतंकी घटना को पुलिस ने किया मामला दर्ज। महाराष्ट्र हिंगोली जिले से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। ज्ञानव्यापी केस, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है आज फैसला। और गुजरात मोरबी हादसे के कारण की जांच को लेकर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज।